हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो रे में डिस्कस करिबा ओडिशा सिविल कांस्टेबल रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एठारे हमें ओडिशा पुलिस कांस्टेबल 2013 रे आस्तिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टी डिस्कस करिबा। तो यहाँ पूर्व रो हमें 2011 रे आसीतिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टी डिस्कस कर सारी। तो जदि आपण माने देखि नांती तबे निश्चय देखि लेबे। तो जो मैंने भी ओडिशा पुलिस पाई अप्लाई कर छंती तबे निश्चय यहाँ को देखि नियंतु, कारण ओडिशा पुलिस कांस्टेबल क्यों टाइप रो क्वेश्चन आसी थाए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिले आपण मैंने किसी धारणा पाई परबे। सेतिपई वीडियो टी को स्टार्ट रु एंड पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ चैनल को फर्स्ट टाइम पई विजिट करथिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण एठारे आमे पार्ट वाइज समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ को डिस्कस करबा। ओके, तो चलंतु स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेम ऑफ द कंट्री व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप। तेबे एठारे चारोटी कंट्री रो नाम दिया जाइछि, तेबे कोटा अलग अटे माने गोटे ग्रुप रे नाही। तो एठारे क्यों ग्रुप रो कथा कह जाइछि, तो एठारे जा कि सार्क ग्रुप रो कथा कह जाइछि। तो SARC, तो सार्क। तो एही ग्रुप रे क्यों कंट्री नाही, तो एहार करेक्ट आंसर टी होइब फ्रांस। तो ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर। तो फ्रांस जहाँकि कंट्री मान ग्रुप रे नहीं, किंतु बांग्लादेश पाकिस्तान एवं नेपाल जहाँकि सार्क रो ग्रुप रे रही। तेबे सार्क कौन अटे, तो यार फुल फॉर्म टी हूँ साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके, तो सार्क रो फुल फॉर्म टी होची साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके, तो एथिरे टोटल 8 कंट्री रही। तेबे एहाकु आमे गोटे शॉर्ट ट्रिक माध्यम रे जानिबा। तो देखंतु से शॉर्ट ट्रिक टी होची MBBS पेन PAIN। तो MBBS पेन माध्यम रे आपण ए सार्क रो कंट्री गुड़ को मन रखी परबे। तो एम फॉर जहाँकि मालदीप, तापर बी फॉर भूटान, तापर बी फॉर बांग्लादेश, तापर एस फॉर श्रीलंका, तापर पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया एवं एन फॉर नेपाल। तो यहपर भाव सार्क रे मेंबर थिबा कंट्री गुड़िक नाम गुड़िक मन रखी परबे। ओके, तो से ट्रिक टी होची MBBS पेन। तो एम फॉर मालदीप, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया एवं एन फॉर होची नेपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ECILO एंड पी आर कोडेड आज 2ABC3 एंड M रेस्पेक्टिवली, द पुलिस विल बी कोडेड आज डेस। तो एठारे कौन कहला, तो ECILOP जहाँ कोड हो 2ABC3 एंड M, तो से परी पुलिस रो कोड कौन है बा? तो एठारे गोटे जिनिस लक्ष्य करंतु ECILOP, तो यह को ओलोटाइल लिखले हबो POLIC। तो यार कोड को ओलोटाइल लिखले हबो पुलिस रो कोड। ओके, तो यही ECILOP रो कोड को आमे जदि ओलोटाइल लिखिबा तो ताहा पुलिस रो कोड हबो। तो यह को लिखले हबो M3CBA2। तो यह क्यों ऑप्शन रे रही, तो यह रही ऑप्शन सी रे। तो ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ EFGH आर कोडेड एज 15, 18, 21, and 24 रेस्पेक्टिवली, द एम एंड ओ विल बी कोडेड एज दे। तो यठारे EFGH रो कोड जहाँकि 15, 18, 21, and 24 रही, तो सहीपरी एम आउ ओ रो कोड किपर हे। तो देखते एठारे डिक्शनरी ऑर्डर अनुसार, तो ए रो कोड जहाँकि 1 होता है,
ए पोजिशन वन तापर बी रोजिशन जहाँकि टू होता है तो से हीपरी इ रोजिशन हो फाइव तो ये फाइव जहाँकि थ्री मल्टीप्लाय कराफल कि फिफ्टीन हो तो बुझिपारे तो पोजिशन थ्री गुणन कराफल कि ये नंबर आसपरी एफ रोजिशन तो एफ रोजिशन जहाँकि सिक्स अटे तो ये थ्री मल्टीप्लाय कराफल एटीन हो तो से हीपरी आम एम आओ बाहर कर तो एम रोजिशन के डिक्शनरी अर्डर अनुसार एम रोजिशन हो थर्टीन तो थर्टीन रे थ्री मल्टीप्लाय कले हम थर्टीन इंटू थ्री थर्टी नाइन और से हीपरी ओ रोजिशन के तो ओ रोजिशन हो फिफ्टीन तो फिफ्टीन इंटू थ्री कले हम फोर्टी फाइव तो यठार करेक्ट आंसर टी हो थर्टी नाइन एवं फोर्टी फाइव तो यह जहाँकि ऑप्शन डी रे रही तो एम एवं ओ रो कोड हो थर्टी नाइन एंड फोर्टी फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिसिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग तो यठार क्यों वर्ड टी अलग रही तो देखो यठार पोस्टमैन फायरमैन नर्स एवं थीफ तो पोस्टमैन फायरमैन एवं नर्स जहाँकि लोक हेल्प करने रही था किंतु थीफ जहाँकि गोटे क्रिमिनाल अटे तो यहाँ अलग रही तेणु यठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिसिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग तो यठार कौटा अलग रही तो देखो ऑप्शन ए रे थ्री तीनोटी सी एवं गोटे डी तपर ऑप्शन बी रे दुईटी डी एवं गोटे सी तपर ऑप्शन सी रे दुईटी डी एवं दुईटी सी ऑप्शन डी रे दुईटी डी एवं दुईटी सी तो यठार ऑप्शन ए रे अलग रही जहाँकि तीनोटी सी रही गोटे डी रही किंतु अन्य ऑप्शन रे दुई दुईटी रही तो यह अच्छी अलग ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो तो यठार नंबर गोटे सीरीज दि जाए तो यह सीरीज अनुसार एठार कौ नंबर आसो तो देखो यठार नाइंटी रु सेवेन्टी सेवेन किपर हो तो यठार माइनस बैस हो तो माइनस बैस करी सेवेन्टी सेवेन हो से हीपरी सेवेन्टी सेवेन माइनस बैस कराफल फिफ्टी फाइव हो तो से हीपरी फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी टू कराफल थर्टी थ्री हो तो से हीपरी थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी टू कले कब इलेवेन तो यठार करेक्ट आंसर टी हो इलेवेन ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द नंबर व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप तो यठार नंबर गुड़िक दि जाए तो यह नंबर गुड़िकर क्योंटा अलग रही तो यठार ऑप्शन ए रे फोर्टी नाइन ऑप्शन बी रे जहाँकि एट्टी वन होटा तपर ऑप्शन बी रे नाइंटी नाइन ऑप्शन डी रे सिक्सटी फोर तो फोर्टी नाइन जहाँकि सेवेन रो स्क्वायर अटे आउ एटी वन जहाँकि नाइन रो स्क्वायर आउ सिक्सटी फोर जहाँकि एट रो स्क्वायर किंतु नाइंटी नाइन जहाँकि कौनसी नंबर रो स्क्वायर नुहे तो यह अलग रही तो ऑप्शन बी होठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए शॉपकीपर सेल ए फ्रिज फॉर एटीन थाउजेंड एंड गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट देन व्हाट वाज इट कॉस्ट प्राइस तो यठारे कौन कहला तो जड़े दोकानी गोटे फ्रिज को अठर हजार टकर बिक्री कला तो से ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट माने लाभ है तेबे से फ्रिज्र कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य के तो देखो यठार तार सेलिंग प्राइस बा एसपी हो अठर हजार टंका आठ प्रॉफिट हो ट्वेंटी परसेंट तो यठार जदि आम कॉस्ट प्राइस को हंड्रेड परसेंट नवा तो सेलिंग प्राइस केते हबो तो सेलिंग प्राइस जहाँकि अठर हजार टंका अच्छी तो ये ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट हो तो शहे परसेंट कॉस्ट प्राइस थिला तो ये ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस हो ट्वेंटी परसेंट तो वन ट्वेंटी परसेंट सामान के अठर हजार टंका कारण वन ट्वेंटी परसेंट जहाँकि सेलिंग प्राइस अटे रियल प्राइस हो अठर हजार टंका वन ट्वेंटी परसेंट सामान अठर हजार टंका तो वन परसेंट सामान के
तो 1% समान हम 18,000 डिवाइडेड बाय 120। तो कॉस्ट प्राइस के 100%, तो 100% रो वैल्यू हो 18,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 जीरो कटि जीवो। तापर 2 × 6 = 12, 50 × 2 = 100। तापर 2 × 3 = 6, 25 × 2 = 50। तापर 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 और 0 2টা तो रहिला 600 × 25। तो 600 × 25 कले हेबो 15,000 टका। तो एठारे कॉस्ट प्राइस हो जबो 15,000 टका। तो ऑप्शन ए हो जबो एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सिक्योर 50% एंड श्याम सिक्योर 30% ऑफ टोटल मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स सिक्योर बाय बोथ ऑफ देम इज 40, व्हाट इज द टोटल मार्क। तेबे टोटल मार्क रु राम 50% सिक्योर कला और श्याम जहाँ कि 30% सिक्योर कला और सेमानकर मार्क रे डिफरेंस रही 40, तो 40 मार्क डिफरेंस रही। तेबे परसेंट रे केते डिफरेंस रही, तो राम रे जहाँ कि 50% रही और श्याम जहाँ कि 30%। तो एठारे डिफरेंस केते हेबो 50 − 30 कले हेबो 20, तो 20% रो वैल्यू हो जबो 40। तो टोटल मार्क चाहे कि 100%, तो 100% रो वैल्यू केते हेबो, तो 100% रो वैल्यू हो जबो 40/20×100। तो यह को सिंप्लीफाई कले हेबो, तो 0 0 कटि जबो, तो पहले 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो पहले 40 × 5 = 200। तो एठारे टोटल मार्क हो जबो 200 मार्क। तो ऑप्शन डी हो जबो एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए ऑक्टागन। तो ऑक्टागन माने होची अष्टभुज, तो अष्टभुजर 8 साइड थिबो। तो यार करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन सी, जेहेतु अष्टभुज, तो अष्टभुज माने 8 साइड रही, तो ऑप्शन सी हो जबो एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर विथ 7 बट दे मल्टीप्लाई द नंबर विथ 7। इफ द रिजल्ट ही गॉट वाज 7, द एक्चुअल आंसर शुड हैव बीन डैश। तो जणे स्टूडेंट को तो गोटे नंबर सहित 7 को डिवाइड करबा पई कह जायतिला, किंतु से भूल रे ताको मल्टीप्लाई कर देला। तो 7 सहित से नंबर को मल्टीप्लाई कर देला, जहाँ फल कि संख्याटी है 7। तो गोटे संख्या जहाँ को 7 सहित मल्टीप्लाई कला, जहाँ फल तार आंसर टी है 7। तो यठार डिवाइड करबा पई कह जायतिला, किंतु से स्टूडेंट जहाँ कि भूल रे मल्टीप्लाई कर देला, तो जहाँ फल कि से आंसर टी 7 है। तो देखंतु जेते बेले गोटे संख्या को 1 सहित मल्टीप्लाई करा जाए, तो सेते बेले ही से संख्या आसी थाए। तो एठारे 1 ही होइतिबो, कारण 1 × 7 कले ही 7 हेबो। तो एठारे से संख्याटी हेबो 1। तो ए संख्या को 7 द्वारा डिवाइड कले केते हेबो, तो 7 द्वारा डिवाइड कले हेबो 1/7। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होइबो ऑप्शन बी, 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ पीपल इन ए बोट कैरिंग 7 पर्सन इन 30 kg। इफ अनदर पर्सन वेटिंग 47 kg जॉइन देम, देन व्हाट विल बी देयर एवरेज वेट। जनकर एवरेज वेट जहाँ कि 30 kg अटे, तबे से आउ जे व्यक्ति जहाँ कि 46 kg जॉइन कला, तबे से ही समस्त एवरेज एज के हे। तो 7 जनकर एवरेज एज हो 30, तो से टोटाल एज हम के, तो 7 × 30, तो 210 हेबो। तो 7 जनकर टोटाल एज हो 210, तो से आउ जे व्यक्ति जहाँ कि 46 kg से आसला, तो 210 + 46
इक्वल टू के 6 5 तो 256 तो 8 जन टोटाल एज हो 256 तेबे से एवरेज के 256 डिवाइडेड बाय 8 कारण टोटल डिवाइडेड बाय जिते थी तो तार संख्या तो यठार टोटाल से एज हो 256 आज जन व्यक्ति अच्छा 8 जन तो 256 डिवाइडेड बाय 8 कले 8 1 8 8 3 24 8 2 16 तो 32 तो टोटल 8 जन व्यक्ति एवरेज वेट हो 32 तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द पोएट हु रोट आवर नेशनल एंथम तो आमर नेशनल एंथम किए लिखी थी तो यार करेक्ट आंसर टी हो रवींद्रनाथ टैगोर तो रवींद्रनाथ टैगोर जी की नेशनल एंथम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया तो केउटा इंडिया रो गोटे यूनियन टेरिटोरी नुहे माने केन्द्र शासित अंचल नुहे तो चंडीगढ़ लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबर यह हूँ गोटे गोटे यूनियन टेरिटोरी किंतु गोवा जहाँ कि गोटे स्टेट अटे तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रो मेंबर हेबा मिनिमम एज टी के तो यार करेक्ट आंसर टी हो 25 तो ऑप्शन डी होठार करेक्ट आंसर तो पार्लियामेंट रो मेंबर हेबा मिनिमम एज हो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो यह जेहेतु 2013 रो क्वेश्चन तो सही समय रे इंडिया रो प्रेसिडेंट किए थे तो इंडिया रो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। तेबे वर्तमान इंडिया रो प्रेसिडेंट किए अच्छा ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जनइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल तेबे क्यों नदी जाकी बे ऑफ बंगाल रे पड़ी नहीं तो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए नर्मदा गोदावरी महानदी एवं कृष्णा जहाँ कि बे ऑफ बंगाल रे पड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज एटीएम स्टैंड फॉर तबे एटीएम रो फुल फॉर्म टी कौन तो एटीएम रो फुल फॉर्म टी होची ऑटोमेटेड टेलर मशीन तो ऑप्शन ए होची बठारे करेक्ट आंसर ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो एटीएम रो फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट तो इंडिविजुअल इवेंट रे फर्स्ट इंडियन वुमेन किए जे कि ओलंपिक मेडल जीति तो से होचंती कर्णम मल्लेश्वरी तो ऑप्शन ए होजी बठारे करेक्ट आंसर तो कर्णम मल्लेश्वरी होचंती फर्स्ट इंडियन वुमेन जे कि इंडिविजुअल इवेंट रे ओलंपिक मेडल जीति और से होचंती जणे वेट लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एठारे यहाँ इंग्लिश रो क्वेश्चन तो हरी इज डेस ऑफ ऑल द बॉय इन द क्लास तो एठारे कौन हम जेहेतु एठारे ऑल द बॉयज माने अनेक गुड़िए बॉय को मध्य रे हरी होची टॉल तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो टॉलेस्ट तो हरी इज टॉलेस्ट ऑफ द बॉयज इन द क्लास तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर किंतु दुई जन मध्य तुलना हेले जहाँकि टॉलर होता है तो यह अनेक जन हो तो से टॉलेस्ट हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीज ग्रोज डैश द बैंक ऑफ रिवर तो यठार बैंक ऑफ रिवर मान हो नदीकूल तेबे गछ गुड़िक नदीकूल बढ़ी था तो यठार करेक्ट आंसर टी कौन हम तो यठार अट लगे तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर तो ट्रीज ग्रोज एट द बैंक ऑफ रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू नो डैश यू आर अटेंडिंग द फंक्शन डैश नॉट तो मुझे जानवाक चाहूँगी कि तुम्हें फंक्शन अटेंड करुछ कि नहीं
तो एठरे कौन हम तो वेदर और न हम तो आई वांट टू नो वेदर यू आर अटेंडिंग द फंक्शन और नॉट तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम आउट ऑफ फॉलोइंग तो यठार चारोटी ऑप्शन दि जाए तो ये कौटा करेक्ट अच्छी तो यठार एंटरटेनमेंट क्यों स्पेलिंग करेक्ट अच्छी तो एंटरटेनमेंट स्पेलिंग होची ENTER TAINMENT तो यह रही ऑप्शन ए रे तो ऑप्शन ही होठार करेक्ट आंसर ENTER TAINMENT। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एप्पल ए डे कीप्स द डे अवे तो दिन को गोटे एप्पल खाइले क्या दूरे रखी थे तो जहाँकि डॉक्टर तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे माने प्रतिदिन गोटे गोटे एप्पल खाइले जहाँकि कौन सी रोग हो न था जहाद्वारा कि डॉक्टर पाखक जावाक पड़ न था। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज वर्किंग डैश द फील्ड तो यठार क्यों प्रपोजिशन लगे तो यठार करेक्ट आंसर टी हो इन तो ही इज वर्किंग इन द फील्ड तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ओडिया ग्रामर क्वेश्चन तो यठार कौटा ठीक अच्छे तो आशीर्वाद जहाँकि ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर तो यह करेक्ट अच्छे आगुड़िक भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न शब्द गुड़िक मध्य क्योंटि प्रतिशब्द बा समर्थ बाधक शब्द नुहे बाछी लेख तो यठार क्योंटा अलग रही तो काया शरीर एवं तनु जहाँकि शरीर प्रतिशब्द किंतु हृदय जहाँकि अलग अटे तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न शब्दर लिंग परिवर्तन करी सटीक शब्दटी बाछी लेख तो कविर स्त्रीलिंग हम कवियत्री कवियत्री तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न शब्दर विपरीतार्थ शब्दटी बाछी लेख तो उदारर विपरीत कौन हम तो उदारर विपरीत शब्द हम अनुदार तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट संधिर दि जाए तो उत् प्लस जापन कौन हम तो उत् जोग जापन हम उज्जापन तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शून्य स्थान पूरण कर निम्नलिखित रूढ़ी प्रयोग को संपूर्ण कर तो यठार गोटे रूढ़ी दि जाए बाहाघर बेले डैश रुआ तो यहाँ समस्ते जानते तो बाहाघर बेले बैगण रुआ तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। तो यह थिला ओडिशा पुलिस कांस्टेबल 2013 रे आसी थिबा क्वेश्चन तो ओवरऑली देखिबा को गले एठरे बहुत इजी क्वेश्चन गुड़िक ही आसीथिला तो आज पई एतिकी तो नेक्स्ट क्लास रे एहरो पार्ट 2 डिस्कस करिबा तो सेति पई निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु बेल आइकन टी को मध्य ऑन कर दियंतु जहा द्वारा कि वीडियो रो नोटिफिकेशन टी टाइम रे पाई परबे। ओके धन्यवाद।